असंवेदनशील मोदी सरकार। पिछले दिनों ओडिशा में भयंकर रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 300 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस आपदा की घड़ी में पीएम मोदी की असंवेदनशीलता एक बार फिर उजागर हुई। पीएम मोदी ने लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में वो लगातार अपनी तस्वीरें खिंचवाते रहे। दो दो कैमरामैन को उस मीटिंग में बुलाया गया और पूरी मीटिंग एक पीआर शो बनकर रह गई। मोदी के रेल मंत्री हादसे के बाद उड़ीसा गए और वहां उन्होंने पीएम मोदी की ही तरह फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। रेल मंत्री के बाद खुद पीएम मोदी उड़ीसा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बार कपड़े बदले, मरने वालों को कफन नहीं मिल रहा था और देश के प्रधानमंत्री हर घंटे कपड़े बदल रहे थे। याद रहे कि मोदी सरकार ने ये दावा किया था कि उनकी सरकार ने ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाया है जो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है। रखना चाहूंगा वो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। लेकिन 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और कहीं कोई कवच नजर नहीं आया जो इन ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता। और इसी तरह एक बार फिर मोदी सरकार का दावा झूठा साबित हुआ। मोदी सरकार जिस तरह कोरोना काल में असंवेदनशील थी, वही असंवेदनशीलता ट्रेन दुर्घटना के बाद भी देखी गई। रेल दुर्घटना में मरने वालों को मौत के बाद भी कोई सम्मान नहीं मिला। उनकी लाशों को उठाकर ट्रकों में इसी तरह फेंका गया जिस तरह कोरोना काल में लोगों की लाशें फेंकी जा रही थी। असंवेदनशील मोदी सरकार क्रेडिट लेने और शोबाजी में सबसे आगे रहती है लेकिन जवाबदेही में सबसे पीछे। इस ट्रेन दुर्घटना को 21वीं सदी का सबसे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक अपने रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा है। याद रहे कि इससे पहले रेल दुर्घटना पर श्री लाल बहादुर शास्त्री, माधव राज सिंधिया और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी न खुद इस्तीफा दे रहे हैं और न उनके रेल मंत्री गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं।